अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। आज मैं आपको स्लैट्स फैसलर सिरप के बारे में या सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये क्या है और कौन से पेशेंट्स के लिए है। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहें। बात करते हैं स्लैट्स फैसलर के बारे में। ये बेसिकली क्या है, ये एक सिफेलोस्पोरियन एंटीबायोटिक है। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें से फैसलर पाया जाता है जो कि इसकी फॉर्मेशन है। और ये क्या है, दे आर गिवन टू ट्रीट बैक्टेरियल इन्फेक्शन। ये सिर्फ बैक्टेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाई जाती है। 120 मिलीग्राम पर 5 ml में ये मौजूद होती है और ये सेमी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्शन है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से मकासद हैं या कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसको यूज़ करवाया जाता है सफेसलर को। बेसिकली जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको कहीं भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। जहाँ कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बच्चों को होता है या बड़ों को होता है, वो इसका सिरप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन बच्चों के लिए ड्रॉप्स रिकमेंड किए जाते हैं। उसके अलावा इसको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिडल ईयर के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी, या यूरिनरी ट्रैक्ट की नालियों में जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ करवाया जाता है। कान का जो आपको इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करवाया जाता है। स्किन इन्फेक्शन बैक्टीरियल फॉर्म में कहीं भी जो है वो हो सकता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सांस की नाली का इन्फेक्शन होता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। उसके अलावा अंदरूनी और बैरूनी जिस तरह का भी इन्फेक्शन लाहक होता है बैक्टीरिया की वजह से, यानी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो आपको इन्फेक्शन लाहक होते हैं, उसके लिए ये मेडिसिन रिकमेंड करवाई जाती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अब ऐसे कौन से अफराद हैं जो कि इनका यूज़ नहीं कर सकते या इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, उसमें जो है वो एलर्जिक टू सेफेक्लॉर, यानी ऐसे पेशेंट जिनको सेफेक्लॉर से एलर्जी है या उनको कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है इसको यूज़ करने से, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि काफ़ी सेंसिटिव जो होती हैं, सेंसिटिव जो लोग होते हैं उनको इन्फेक्टेड कर सकता है। उसके अलावा ऐसी औरतें जो कि हामला हैं यानी प्रेगनेंसी में, वो इस मेडिसिन का यूज़ ना करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो माएँ हैं वो भी इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमन मशवरा कर लें कि आया वो उनके लिए बेस्ट है या नहीं। ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपने जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओवरऑल ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसमें आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी स्किन पे कहीं भी एलर्जी हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं काफ़ी पेशेंट्स में, इवन के बच्चों में भी। तो इसको जो है वो आप यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो क्लियर हो जाना। थैंक